లైక్ గహరాయి మే ఆప్ ఇస్ కే అnder జా చుయో మే లగ్తా హై కి 2 సాల్ తో యహ్ కెహనే కి బాత్ హోएगी బహత్ జదా హి సమయ గస్సీ కడ్యా హై హనా تے نہ ਦੂసری اک హోర్ హెరాని والی గల్ పతా కి హై రנדיప్ ਐਸੀ ఫిల్మ్ బనాత లయి తుసి లేకిన్ జద తో నా పడ్దే నా కి హాజీ రנדיప్ నే డైరెక్ట్ కీతి హై ایسے ఫిల్మా ద బచ్ తా బహత్ జదా ఓ చీజ్ hunde హై జద ఆప ఫ్రేమ్ ది గల్ కర్దేయా కినే మేనే కుచ్ పీరియడ్ ఫిల్మ్ మే షూట్ హోతీ హుయీ దేఖీ హై డైరెక్టర్ యహ్ తక్ బోల్తా హై 4 స్టెప్ ఆకే అగే لیజియే హ 2 స్టెప్ పీచే జాకే డైలాగ్ બોలీయే बट यहाँ पर वो काम तो आपका था और आप ही फ्रेम में थे ये मुश्किल ये लाइक ये मैं, कैसे कर मैंने कभी अपने फिल्म के करियर में मॉनिटर वोनिटर नहीं देखा जाए अब तो देखना पड़ा देखना पड़ा <laughs> फ्रेमिंग फ्रेमिंग के लिए अभी अपना तो फिर भी मैं नहीं देख पाया क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होती शूटिंग <laughs> पर मैं बहुत मुश्किल था जैसे कि एक एक्टिंग का काम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक काम हाँ, था हाँ। और ये पूरा टीम वर्क हो गया सबसे करवाना भी है, खुद करना आ, भी है। एक क्लरिकल जॉब हो गई थी ऑलमोस्ट पीपल मैनेजमेंट जॉब उसके अंदर जितनी आप आर्ट कर सको पर मैंने ठान ली थी तो अभी जो भी चैलेंजेस आते गए मैं उनको स्टेप बाय स्टेप फेस करता रहा उनसे सीखता रहा और खत्म कर दी लाइक मुश्किल के साथ साथ लाइक ऐसा लगा कि अंदर कुछ छुपा हुआ था वो निकल के बाहर आ गया हर एक कलाकार का यही डर रहता है कि कहीं जो मुझ में है वो बाहर निकल के नहीं आया तो आए, क्या बात है है बट लाइक जिस तरह से देखा ना ना आप आगे हैं इसके अंदर है ना, फिल्म को रणदीप तो मानो <laughs> नहीं तो पॉलिटिक देखिए मैं इसको पिछले इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज करना चाहता क्योंकि ये देश के बड़े दिन है ये कुछ बात बनी नहीं और करते करते ये शहीदी दिवस से एक दिन पहले रिलीज हो रहा है तो और इलेक्शन के बीच में रिलीज हो रहा है हाँ, हाँ, इसमें कोई डेलीबरेटनेस नहीं है पर कुछ तो लोग कहेंगे यार कुछ तो लोगों कहना जो इसको बोल रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा की पिक्चर है अगर मैं नेहरू जी पे बनाता और इसी शिद्दत से बनाता तो आप क्या बोलते दूसरे पार्टी वाले बोलते तो एज ए कलाकार आपको एक उसके एक पाथ लेके चलना पड़ता है कि भाई दिस इज माय आर्ट आर्ट और हर एक आर्ट वर्क का सबसे बड़ा अगर उसका कुछ अचीवमेंट है तो वो है लोगों के अंदर जागरूकता और सोच पैदा करना जो कि इससे हो रहा है अभी मिस पिक्चर की वजह से ज्यादा लोग सावरकर साहब के बारे में पढ़ रहे हैं विच इज ए गुड थिंग बिल्कुल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए लोग जितना अपोज करेंगे उतना लोग उसको

नहीं मैंने उनको बता दिया था कि हाँ। मेरा मेरी पहली शादी मेरे काम से हो चुकी है अच्छा हाँ। और ये सावरकर जी ने भी सावरकर जी ने भी जब शादी की वो भी शादी नहीं करना चाहते हाँ। थे हाँ। क्योंकि उनको लगा कि मेरी जिंदगी तो क्रांतिकारी की जिंदगी और इसके साथ किसी और को जोड़ के उसको पनिश करने की जरूरत नहीं है तो यमुना भाई जो थी उनके फादर बहुत अमीर थे तो उन्होंने बोला कि मैं इसकी इंग्लैंड की एजुकेशन स्पॉन्सर कर दूंगा तो फिर वो मान गए पर वो बोले कि पहले अपनी बेटी को बता दो अच्छा। मेरी जिंदगी का मकसद ये है अगर वो हाँ करेगी तो ही मैं मानूं तो आपने मकसद पहले बता दिया था ये अब ये फाइनली कि ये मैंने, मैंने, पहले बता दिया था कि पहली फाइट तो फिल्म लाइक शादी के बाद तुरंत तो आने वाली है हाँ नहीं मैं, वो तो है ही वो तो मैं आए वो तो शी अंडरस्टैंड तो है ना और तो ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखो फिल्म जितनी अच्छी कमाई करेगी उतना अच्छा हनीमून ये बनाने so, जाएंगे